गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो लास्ट क्लास में हम लोग इस ब्लॉक का सेकेंड ग्रुप एल्कलाइन अर्थ मेटल कर रहे थे, तो उसको फिर से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो इन लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन से मेटल्स होते हैं जो इस ब्लॉक के सेकेंड ग्रुप में बिलोंग करते हैं। वाई दे कॉल्ड एज एल्कलाइन अर्थ मेटल, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर बेसिक इन नेचर। वो जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोक्साइड्स देते हैं, और जो कि बेस होते हैं। अर्थ मीन्स बिकॉज दे फाउंड इन लिथोस्फेयर, मतलब अर्थ क्रस्ट में फाउंड होते हैं। एंड मेटल हैं क्योंकि ऑब्वियसली दे आर मेटल्स, तो इसलिए उसे एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। नाउ दीज हैव वेरी हाई रिएक्टिविटी। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बट ये कम रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू एल्कली मेटल, बट ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं टू रेस्ट ऑफ द मेटल्स। तो इनकी रिएक्टिविटी हाई होती है, और इनकी रिएक्टिविटी हाई होने का रीज़न क्या है कि इनके पास सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये दो इलेक्ट्रॉन बहुत आराम से रिलीज कर सकते हैं टू गेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। सो दे जनरली रिएक्ट वेरी वायलेंटली। हाउएवर दे आर नॉट एज रिएक्टिव एज एल्कली मेटल। फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट थे लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, उनसे ये कम रिएक्टिव होते हैं, लेकिन बाकी सारे मेटल से ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। नाउ द पॉइंट इज रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर एंड वाटर। तो एयर के साथ इनकी रिएक्टिविटी कैसे होती है? एयर के साथ इनकी रिएक्टिविटी काफ़ी अच्छी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम ब्रिलियंटली, अगर मैग्नीशियम का एक रिबन लो तो वो पूरा अच्छे से जल जाता है ऑक्सीजन के अंदर या एयर के अंदर। बेरिलियम का भी वही केस है कि बेरिलियम अगर उसको पाउडर फॉर्म में रखें तो वो भी जल जाता है कम्प्लीटली। हाउएवर जब ये नॉर्मल सब्सटेंस में आते हैं, नॉर्मल आते हैं, तो इनके ऊपर मैग्नीशियम सॉरी हाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड और बेरिलियम ऑक्साइड की एक लेयर जम जाती है, और वो जो ऑक्साइड लेयर है वो फर्दर उसका कोरोजन या उसका कंबशन को अलाउ नहीं करती है। तो इनके केस में क्या है कि जो ऑक्साइड की लेयर है वो चिपक जाती है उन मेटल के साथ, और मेटल के साथ अगर वो चिपक गई है तो अंदर का जो सरफेस है वो विजिबल नहीं होगा, वो एक्सपोज नहीं होगा, और फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाएगी। सो दिस इज द प्रॉब्लम विद मैग्नीशियम एंड बेरिलियम। उसके अलावा कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम, ये तो डायरेक्टली एयर से रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करते, ना ही ये डायरेक्टली ऑक्साइड्स बनाते हैं, ना ही ये डायरेक्टली नाइट्राइड्स बनाते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि एयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इज इन मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन, बट नाइट्रोजन के पास क्या होता है कि तीन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। सो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि नाइट्रोजन होती है इनर्ट। इनर्ट का मतलब कि वो रिएक्शन करना प्रेफर नहीं करती है। बट बेरिलियम और मैग्नीशियम ये फिर भी रिएक्शन कर लेते हैं, ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, एंड दे फॉर्म्स नाइट्राइड। इसमें क्या होता है, Be3N2 बनता है और Mg3N2 यहाँ पे बनेगा। ये नाइट्राइड्स ये प्रोड्यूस कर देते हैं, नाइट्राइड्स में नाइट्रोजन के पास -3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वजह से ये दोनों रिएक्ट करते हैं, और हम लोगों ने देखा था एस ब्लॉक में बाकी कोई ऐसे रिएक्ट नहीं करता एक्सेप्ट फॉर लिथियम। तो लिथियम भी बहुत आराम से रिएक्ट करके लिथियम नाइट्राइड बना देता है, Li3N लिथियम नाइट्राइड बनता है। और इस बेसिस पे हम लोगों ने बताया था कि लिथियम और मैग्नीशियम का जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिमिलर हैं ड्यू टू डायगनल रिलेशनशिप। कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम, इनके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑक्साइड या नाइट्राइड्स नहीं बनाते हैं, या ऑक्साइड और नाइट्राइड्स बनाते होंगे लेकिन विद अ डिफरेंट मेथड। ये डायरेक्टली एयर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, इनको हीट देनी पड़ती है या फिर इनके साथ कोई और रिएजेंट डालना पड़ता है, तब जाके ये ऑक्साइड्स और नाइट्राइड्स बनाएंगे। दे ऑल्सो रिएक्ट विद वाटर विद इंक्रीजिंग वीगर इवन इन कोल्ड टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड। सो ऑब्वियसली ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे। जैसे कैल्शियम है प्लस H2O है, ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस ये रिलीज करेंगे। सो हमारे पास क्या है, बेरिलियम मैग्नीशियम। सो जो वीकर है रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप।
डाउन द ग्रुप इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, जैसे एल्कली मेटल में था लिथियम इतने अच्छे से रिएक्ट नहीं करता है वाटर के साथ, बहुत वायलेंटली रिएक्ट नहीं करता है, बाकी सारे जो मेटल हैं वो और भी ज़्यादा वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। इसी तरीके से ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं वो इतने रिएक्टिव नहीं होते, डाउन द ग्रुप उनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है? ऑब्वियसली इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो वो आराम से इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे। तो बेरियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बहुत कम है, तो वो उससे उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन। अब ये हेलोजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? तो ऑब्वियसली ये हेलोजन के साथ रिएक्ट करके हेलाइट्स बनाएंगे, बेरिलियम बनाएगा बेरिलियम हेलाइड BeCl2, BeBr2 एंड सो ऑन, ठीक है, इसी तरीके से बनाएगा। उसके बाद मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड GbR2 एंड सो ऑन, इसी तरीके से काफ़ी सारे ये रिएक्शन करते हैं। अब इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि रिएक्शन करिए हेलाइट्स तो बनाएंगे। अब इन इन मेटल का जो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट है, हेलोजन का माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो जो इनका फॉर्मूला वो बनेगा वो MX2 ही बनेगा। तो सारे एलिमेंट्स MX2 वाले हेलाइट्स ही बनाते हैं, प्लस फोर या प्लस सिक्स में ये जा नहीं सकते क्योंकि दो ही इलेक्ट्रॉन है, दो ही इलेक्ट्रॉन ये दे पाते। तो इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो MX2 होता है और सारे एलिमेंट्स इस तरीके से रिएक्ट करते हैं एक्सेप्ट फॉर बेरिलियम। बेरिलियम डायरेक्टली हेलोजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, बेरिलियम हेलोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं तो फिर इसके हेलाइट्स कैसे बनाएंगे? तो इसके हेलाइट बनाए जाते हैं इनडायरेक्ट मेथड से। उसमें क्या यूज़ किया जाता है? हम लोग पहले बेरियम ऑक्साइड यूज़ करते हैं, कार्बन यूज़ करते हैं एंड क्लोरीन यूज़ करते हैं। ये दोनों रिएक्शन के बाद बेरिलियम क्लोराइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड दिया जाता है। कार्बन यहाँ पे एक्ट करता है एज एन रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन एक्ट करेगा यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट। तो कार्बन सबसे पहले क्या करता है? कार्बन बेरिलियम ऑक्साइड को रिड्यूस करता है, बेरिलियम ऑक्साइड को रिड्यूस करके ये बना देता है Be+2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे इसने कार्बन और बेरिलियम में से Be+ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो यहाँ पे हुआ क्या कि कार्बन ने बेरिलियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके बेरिलियम प्रोड्यूस किया और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस कर दिया। अब ये बेरिलियम रिएक्टिव होता है तो ये डायरेक्टली क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके BeCl2 प्रोड्यूस कर देता है। तो ये एक अच्छा मेथड है और कन्वीनियंट मेथड है जिससे हम लोग बेरिलियम क्लोराइड या बेरिलियम हेलाइड्स हम लोग आराम से बना सकते हैं। बेरिलियम डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता है हेलाइड से, तो ये ध्यान में रखना है ये बात, ठीक। नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन एक फ्लेमेबल गैस होती है, हमें पता है हाइड्रोजन बहुत सारे एलिमेंट के साथ डायरेक्टली भी रिएक्ट करती है। सो ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट फॉर बेरिलियम कम्बाइंड विद हाइड्रोजन अपॉन हीटिंग टू फॉर्म हाइड्राइड्स। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं मेटल ही लिखे, तो ये जो मेटल्स हैं ये रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके हाइड्रोजन के साथ अपॉन हीटिंग हीट करेंगे तो हमें MH2 वाले हाइड्राइड्स मिल जाएंगे। इसमें जो M है वो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है और हाइड्रोजन है क्या है? माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में। कैसे ये रिएक्शन होगी? हाइड्रोजन पहले मेटल जाएगा और मेटल प्रोड्यूस करेगा M+2 प्लस दो इलेक्ट्रॉन, उसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। फिर H2 क्या करेगा? दो इलेक्ट्रॉन लेगा और ये प्रोड्यूस करेगा ट्वाइस ऑफ हाइड्राइड आयन। फिर इस रिएक्शन को तुम बैलेंस करोगे, यहाँ से ये कट जाएगा तो M+H2 गिव्स M+2 प्लस ट्वाइस ऑफ H-, और ये दोनों कंबाइन होके क्या दे देंगे? MH2। सो ये कंपाउंड हमारा बहुत आराम से बन जाता है। बट अगेन देर इज़ अ प्रॉब्लम विद बेरिलियम, जैसे हम लोगों ने बात करी थी अनॉमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। लिथियम क्या करता है कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ शो नहीं करता है जो सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम ये सब करते हैं। तो इसी तरीके से बेरिलियम का भी हम लोग देख रहे हैं कि बेरिलियम का हम लोग क्लोराइड्स आराम से नहीं बना सकते, बेरिलियम के हाइड्राइड्स हम लोग नहीं बना सकते क्योंकि बेरिलियम बहुत ही ज़्यादा अनरिएक्टिव है। बेरिलियम एकदम ही अलग कंपाउंड बिहेवियर शो कर रहा है हमें यहाँ पे।
So beryllium hydride, however, can be prepared by the reaction of beryllium chloride with aluminium lithium aluminium hydride. So beryllium chloride को हम लोग lithium aluminium hydride के साथ treat करते हैं. Treat करने के बाद beryllium hydride बनता है, lithium chloride plus AlCl3 बनता है. Rest of the elements with reacting directly यहाँ पे magnesium, calcium, strontium, barium. ये जो चार एलिमेंट्स हैं ये डायरेक्टली यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं और हाइड्राइड्स दे रहे हैं, लेकिन बेरिलियम को प्रॉब्लम है. बेरिलियम डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो उसका जो ये अनोमलस बिहेवियर है, ये जो अजीब सा जो बिहेवियर है बेरिलियम का, वो हमें हर जगह दिख रहा है. बेरिलियम ना ही वो हेलोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ना ही वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ना ही वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और इतने सारी प्रॉब्लम्स हमें दिख रही है. वाटर के साथ भी वो वायलेंटली रिएक्ट नहीं करता, बहुत आराम से रिएक्ट वो नहीं करता. सो बेरिलियम का अनोमलस बिहेवियर, जैसे लिथियम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, किस वजह से होता है? बेरिलियम का जो अनोमलस बिहेवियर है वो इसके स्मॉल साइज एंड वेरी हाई पोलराइजिंग पावर की वजह से है. अगर पोलराइजिंग पावर हाई होती है, स्मॉल साइज होता है, तो अनोमलस बिहेवियर शो करना बहुत लाजमी हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एसिड. अब ये एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे? तो मेटल्स क्या होते हैं? बेसिक होते हैं. एक बेसिक कंपाउंड एक एसिडिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है, तो वही होगा. सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दीज मेटल आर बेसिक इन नेचर. देयरफॉर दे रिएक्ट टू फॉर्म salts and liberates H2 gas. ठीक है, तो मेटल्स के साथ एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि जब भी वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो दे लिबरेट हाइड्रोजन गैस. तो हाइड्रोजन गैस वो लिबरेट करते हैं, हमें पता है हाइड्रोजन गैस फ्लेमेबल गैस होती है. अगर माचिस की तिल्ली अगर हम उसके ऊपर लेके जाएंगे तो वो जलने लग जाएगी. ठीक है, सो हाइड्रोजन मतलब पता करने के लिए ये जो मेटल है वो मेटल है या नहीं, या जो जिस सॉल्यूशन में हम लोग डाल रहे हैं वो एसिड है या नहीं है, तो उसके लिए हम लोग ये वाला टेस्ट कर सकते हैं. सो मेटल विल रिएक्ट विद एसिड, कोई सा भी एसिड ले लो, MCl2 प्लस H2. इसी तरीके से मेटल कैन रिएक्ट विद H2SO4, सो MSO4 कंपाउंड बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज. इसी तरीके से किसी भी एसिड के साथ ये तुम रिएक्शन ऐसी शो कर सकते हो. हर एसिड के केस में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होनी चाहिए. नेक्स्ट वी कम टू द रिड्यूसिंग नेचर. अब ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनका रिड्यूसिंग नेचर भी होता है. एल्थियम मेटल के केस में भी क्या पढ़ा था हम लोगों ने, लिथियम वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब मैंने दिखाई थी तो उसमें सबसे नीचे लिथियम था, सबसे ऊपर फ्लोरिन था. तो बताया था कि लिथियम सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, फ्लोरिन सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. तो रिड्यूसिंग करेक्टर इनका भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. एल्कली मेटल के बाद यही ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका रिड्यूसिंग करेक्टर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. इनके रिड्यूसिंग करेक्टर में बेरिलियम को अगर छोड़ दें तो बाकी सबका जो रिड्यूसिंग करेक्टर है वो काफ़ी अच्छा है. बेरिलियम इन सब में से सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट है. सो दे ऑल आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स. ये सारे बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, बट लेसर देन एल्कली मेटल. एल्कली मेटल्स को अगर छोड़ दें तो उनके अलावा सबसे पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स यही हैं. बेरिलियम है लो रिड्यूस. बेरिलियम का जो रिड्यूसिंग करेक्टर है वो बहुत लो है. अब जो रिड्यूसिंग करेक्टर और ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर की हम लोग बात करते हैं तो हमें तीन चीज़ें याद रखनी ज़रूरी होती है, तीन पॉइंट्स. सबसे पहला होता है एटोमाइजेशन एंथैल्पी. जैसे बेरिलियम क्या करेगा, बेरिलियम
टू प्लस देगा, प्लस दो इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन इनको गैस में होना जरूरी है। फिर बेरिलियम टू प्लस गैस में है और फिर वो बेरिलियम टू प्लस एक्वस में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बेरिलियम को गैस में कन्वर्ट करने के लिए सॉलिड से हमें गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब भी ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर या रिड्यूसिंग करेक्टर की बात करते हैं, सो ये तीन चीज़ें हमें याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या है? सब्लिमेशन या फिर एटोमाइजेशन। दूसरी चीज क्या है? आयनाइजेशन एंथैल्पी। एंड तीसरी चीज क्या है? हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब बेरिलियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी तो बहुत ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा होती है कि वो बेरिलियम की सब्लिमेशन या एटोमाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एंथैल्पी को कॉम्पनसेट कर सकती है। हाउएवर बेरिलियम का जरूरत से ज्यादा हाई वैल्यू होता है एटोमाइजेशन एंथैल्पी का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, हाउएवर इट्स रिड्यूसिंग नेचर इज ड्यू टू लार्ज हाइड्रेशन एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्मॉल साइज ऑफ बेरिलियम 2 प्लस आयन एंड रिलेटिवली लार्ज वैल्यू ऑफ एटमाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द मेटल। सो बाकी सारे एलिमेंट्स के कंपैरिजन में इसकी जो एटमाइजेशन एंथैल्पी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। मैग्नीशियम की एटमाइजेशन एंथैल्पी इतनी ज़्यादा नहीं है, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, इनकी एटमाइजेशन एंथैल्पी इतनी ज़्यादा नहीं है, और बाकी सब। तो इस वजह से क्या होता है कि इसका जो रिड्यूसिंग करेक्टर होता है वो कंपैरेटिवली कम आ जाता है। लेट मी शो यू इन वन मोर स्लाइड। सो देखो, यहाँ पे हमारे पास आ गया बेरिलियम, ये ले लिया मैंने मैग्नीशियम, और ये ले लिया कैल्शियम। सो इन तीनों ही केसेस में या इन चारों ही केसेस में तीन केस होंगे। सो अगर हमें रिड्यूसिंग करेक्टर देखना है तो हमारे जहन में तीन चीजें आनी चाहिए। सबसे पहले क्या है? बेरिलियम सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा? बेरिलियम गैस में, ठीक है। तुम्हें याद होगा कि आयनाइजेशन तभी होती है जब वो गैसेस स्टेट में होता है। तो अगर कोई भी मेटल गैसेस स्टेट में नहीं है तो उसका आयनाइजेशन होना पॉसिबल नहीं है। फिर दूसरी रिएक्शन आती है, बेरिलियम गैस से वो कन्वर्ट होगा बेरिलियम टू प्लस गैस प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स, आयनाइजेशन। और थर्ड क्या है? बेरिलियम टू प्लस जो गैस है वो कन्वर्ट हो जाएगा बेरिलियम टू प्लस एक्वस में वाटर के साथ, ठीक है। तो इसमें ये तीन क्या क्या चीज़ें हैं? पहली चीज़ है इसके अंदर सब्लिमेशन या फिर एटोमाइजेशन, दूसरा है आयनाइजेशन एनर्जी वन प्लस आयनाइजेशन एनर्जी टू। आयनाइजेशन एनर्जी वन और टू का मतलब क्या है कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, और टू का मतलब है दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, एंड थर्ड है हाइड्रेशन एंथैल्पी। सो यही तीन केसेस बाकी सब में भी होते हैं, तो मैं लिख देता हूँ। मैग्नीशियम सॉलिड इज गिविंग अस मैग्नीशियम गैस, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है मैग्नीशियम गैस इज कन्वर्टिंग इनटू मैग्नीशियम 2 प्लस गैसेस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड देन मैग्नीशियम गैस इज कन्वर्टिंग इनटू मैग्नीशियम एक्वस स्टेट। सेम कैल्शियम के लिए भी होगा, कैल्शियम सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा? कैल्शियम गैस में। फिर कैल्शियम गैस कन्वर्ट होगा कैल्शियम 2 प्लस गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन थर्ड इज कैल्शियम 2 प्लस गैस है वो कैल्शियम 2 प्लस एक्वस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब जो सब्लिमेशन एनर्जी है, अब मैं इनके तुम्हें एग्जांपल्स देता हूँ। यहाँ पे हाइड्रेशन एंथैल्पी है -2000 किलोजूल, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी है -1500 किलो जूल, और यहाँ पे हाइड्रेशन एंथैल्पी है -3000 किलो जूल। अब ये जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो किस पे डिपेंड करती है? हाइड्रेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है पोलराइजिंग पावर पे।
पोलराइजिंग पावर अगर ज़्यादा होगी तो वाटर को वो अच्छे से अपने पास खींच पाएगा। सो हाइड्रेशन एंथैल्पी साइज पे डिपेंड करती है, तो लिथियम बेरिलियम इन सब की जो छोटे छोटे एटम्स होते हैं उनकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है, चाहे वो हाइड्रोजन हो या हीलियम हो, इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। सो ये एनर्जी कितनी रिलीज करेंगे, बहुत ज़्यादा रिलीज करेंगे, और ये जो एनर्जी है वो रिलीज हो रही है, मतलब इट हैज़ टू बी इन नेगेटिव साइन। तो ये हमारा क्लियर हो गया। और डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी भी कम होती जाएगी। अब हाइड्रेशन एंथैल्पी इतनी है, अब मैं कैल्शियम का लेता हूँ कि इसका जो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है, ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, वो 200 किलो जूल है, और आयनाइजेशन एंथैल्पी है अराउंड 300 किलो जूल। सो ओवरऑल जो एनर्जी आई वो कितनी आई, माइनस ऑफ 1000 किलो जूल, ठीक है। यहाँ पे मैं अज्यूम करता हूँ कि मैग्नीशियम का जो सब्लिमेशन एंथैल्पी है वो है 400 किलो जूल, और आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ इसे 400 किलो जूल से भी। सो इसमें से जो डेल्टा ई आया है वो आया है 1200 किलो जूल। अब इसकी बात करते हैं तो इसका जो सब्लिमेशन एनर्जी है वो है 1000 किलो जूल, आयनाइजेशन एनर्जी है इसका, और भी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा तो 600 किलो जूल। इसको मुझे और बढ़ाना पड़ेगा, 800 किलो जूल है, 1200 किलो जूल, तो 1200 प्लस 800 हो गया 2000, और सीधा आएगा 1000। मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट करता हूँ इसे, ये आ गया माइनस 1000 किलो जूल, इधर मुझे और कम करना पड़ेगा। अच्छा फिर तुम 1500 कर देते हो तब ठीक आ जाएगा, 1100 किलो चले थे और 1200, ठीक है। तो अब हमारे पास ये तीन केसेस आ गए हैं, तीन केसेस में हमें ये दिख रहा है कि ओवरऑल जो एंथैल्पी है वो सबसे ज़्यादा किसकी है, कैल्शियम की सबसे ज़्यादा है, फिर मैग्नीशियम की है, और फिर बेरिलियम की है। तो सबसे ज़्यादा है मतलब कैल्शियम इज़ द स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम 2+ एज कम्पेयर टू बेरिलियम 2+ या बेरिलियम, ठीक है, 2+ नहीं बेरिलियम की बात करें तो कैल्शियम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम एंड बेरिलियम, एंड रीजन बिंग रीजन है कि इसकी जो ओवरऑल एंथैल्पी है वो ज़्यादा है। अब इसमें से हमारे पास दो केसेज हैं कि हाइड्रेशन एंथैल्पी अगर हम लोग देखें तो हाइड्रेशन एंथैल्पी बेरिलियम की सबसे ज़्यादा है, इसकी कम है और इसकी कम है, जैसे साइज बढ़ता जाता है हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। लेकिन हाइड्रेशन एंथैल्पी के साथ साथ उसका जो सब्लिमेशन एंथैल्पी या एटमाइजेशन एंथैल्पी है और आयनाइजेशन एंथैल्पी वो सब भी कम होते रहते हैं। तो उसमें क्या है कि ओवरऑल अगर कैल्शियम की बात करें तो उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी कम थी, लेकिन उसने फिर उसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी वो फिर भी ज़्यादा थी, कम तो थी एज़ कम्पेयर टू बेरिलियम मैग्नीशियम, लेकिन फिर भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इट्स एटमाइजेशन एंथैल्पी एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, जिसकी वजह से ओवरऑल जो वैल्यू आ रही है वो माइनस 1200 किलो जूल आ रही है। अब बेरिलियम के साथ क्या है, बेरिलियम इतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट क्यों नहीं है, बेरिलियम का अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होने की वजह यह है कि हाइड्रेशन एनर्जी नो डाउट सबसे ज़्यादा लेके बैठा हुआ है, तो हाइड्रेशन एनर्जी उसकी सबसे ज़्यादा है, हाइड्रेशन एनर्जी उसकी सबसे ज़्यादा है, लेकिन
उसका एटमाइजेशन एंथैल्पी भी सबसे ज्यादा है। एटमाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होने की वजह से काफी सारी एनर्जी उसको गैसेस फेज में कन्वर्ट करने में लग जाती है। अगर इतनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे गैसेस फेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता, प्रूव नहीं हो सकता। इस वजह से क्या है कि इसकी एटमाइजेशन एंथैल्पी इतनी ज्यादा है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी उसको प्रॉपरली कंपनसेट नहीं कर पाती है, और वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है जितना उसको होना चाहिए था। सो नेक्स्ट वी हैव सोल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। अब हमें क्या नेक्स्ट टॉपिक करना है, सोल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। जैसे हम लोगों ने वहां पे करा था इसी तरीके से यहाँ पे भी यूज होगा। जैसे एल्कली मेटल को हम लोग अमोनिया में डालते हैं तो उनका ब्लू कलर हो जाता है, और फिर और डालते हैं तो उनका ब्रॉन्ज कलर हो जाता है। इसी तरीके से ये जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ये इनको जब अमोनिया में डालते हैं तो इनका भी डीप ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है। और ये जो डीप ब्लू ब्लैक कलर है वो किसकी वजह से है, इट इज बिकॉज ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होता है, मेटल यहाँ पे जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, Mg2+ 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है। ठीक है, अगर मैं इसको वाटर में लिखता तो मैं यहाँ लिख सकता था एक्वस, तो हाइड्रेटेड मैग्नीशियम और हाइड्रेटेड इलेक्ट्रॉन। बट इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि वो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। बट अमोनिया के केस में ऐसा नहीं होता। अमोनिया के केस में Mg क्या करता है, वही प्रोड्यूस करता है Mg2+ 2 इलेक्ट्रॉन्स। और जब उसके अंदर हम लोग अमोनिया डालते हैं, अमोनिया एज अ सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट है तो मैं ऊपर लिखना ज़्यादा प्रेफर करूँगा, तो यहाँ पे ये अमोनिएटेड हो जाता है, यहाँ पे NH3 यहाँ पे ऐड हो जाता है। अब ये जो NH3 है वो बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं NH3 के, उसने उसको कवर कर लिया, और इन को हम लोग बोलते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, एल्कली मेटल के कंपैरिजन में ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। ठीक, ये ध्यान रखना। तो अगर सेम क्वांटिटी लोगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स किसके होंगे, एल्कलाइन अर्थ मेटल के होंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है। अब इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है +X+Y NH3। तो ये क्या करेगा, Mg2+ और ये NH3 एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा, और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस तरीके से बन जाएगा। प्लस और ये बन गया। अब मेरे हिसाब से ये रिएक्शन गलत बैलेंस की गई है, प्रॉपरली बैलेंस नहीं की गई है, क्योंकि X+2Y यहाँ पे आना चाहिए, और इसको मैं 2Y ही लिखता हूँ। ठीक, ये वाई नहीं रहेगा, ये 2Y रहेगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ वाई मॉलिक्यूल ज़्यादा है, तो वाई कर सकते हैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन × NH3Y हम लोग कर सकते हैं। रिएक्शन बैलेंस होना ज़रूरी नहीं है, वो बस जस्ट हमें दिखा रहे हैं कि कैसे अमोनिया कहाँ से आए हैं। बस अमोनिया सॉल्वेंट है तो 1000, 2000, 3000 मॉलिक्यूल एक एटम के ऊपर अटैच हो सकते हैं, दैट्स नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न। अब यूजेस क्या हैं इन एलिमेंट्स के, तो बेरिलियम बहुत सारे अलॉयज में यूज़ होता है, जैसे कॉपर बेरिलियम का अलॉय होता है, जिसको हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग्स बनाने में यूज़ किया था। स्प्रिंग्स में पता होगा जो इस तरीके की गोल गोल होती है, ऐसी स्प्रिंग्स होती हैं, इन स्प्रिंग्स को, और ये स्प्रिंग्स बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ होते हैं, तो इन स्प्रिंग्स को बनाने के लिए कॉपर और बेरिलियम का अलॉय यूज़ होता है। मेटेलिक बेरिलियम यूज़ होता है एक्सरे ट्यूब्स की विंडोज़ में, और बेरिलियम की एक खासियत होती है कि वो न्यूट्रॉन्स वगैरह एब्जॉर्ब कर सकता है, तो काफ़ी सारे रेडियो एक्टिव मटीरियल में बेरिलियम यूज़ होता है। मैग्नीशियम, तुम्हें पता है मैग्नीशियम के क्या क्या यूज़ है, मैग्नीशियम तो सबसे पहले क्लोरोफिल में होता है, तो प्लांट्स उसे यूज़ करते हैं अपने कंपाउंड्स का कलर ग्रीन करने में। और कलर ग्रीन क्यों होता है, ग्रीन इसलिए होता है क्योंकि वो सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा, और सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा तो वो प्लांट खाना बना सकता है, ग्लूकोज बना सकता है। मैग्नीशियम साथ में बहुत सारे अलॉयज बनाता है एल्यूमिनियम जिंक टिन के साथ, तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के जो अलॉयज होते हैं वो काफ़ी हल्के होते हैं। एल्यूमिनियम तुम्हें पता है बहुत लाइट मेटल होता है, मैग्नीशियम भी एक लाइट मेटल होता है, तो जब दो लाइट मेटल एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं दे ऑल्सो फॉर्म अ लाइट अलॉय।
अलॉय का जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, हल्का अलॉय होता है, और ये जो अलॉय होता है ये एयरक्राफ्ट्स में यूज़ होता है, क्योंकि तो हम चाहते हैं कि हमारे एयरक्राफ्ट्स थोड़े हल्के बने, भारी होगा तो उसे कंट्रोल करना ज़्यादा मुश्किल है। और जो मोटर्स वगैरह यूज़ होंगी उनकी एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी चाहिए होगी। तो अगर लाइट मेटल है एयरक्राफ्ट का जो साइज़ है, और नहीं साइज़ अगर बड़ा भी हो एयरक्राफ्ट का, अगर जो वज़न है जो अगर कम होगा तो हम लोग उसे आराम से यूज़ भी कर पाएंगे, और कम मोटर के कम फ्यूल से हम लोग उसे चला पाएंगे। मेजरली जितने भी अलॉय के जो सॉरी एल्यूमिनियम के जो अलॉयज होते हैं वो जनरली एयरक्राफ्ट में यूज़ होते हैं। मैग्नीशियम इज़ यूज इन फ्लैश पाउडर्स एंड बल्ब्स एंड बॉम्ब्स एंड सिग्नल्स। तो मैग्नीशियम, जैसे हम लोगों ने बताया, मैग्नीशियम का एक रिबन लेते हैं, एयर में रखते हैं तो वो अपने आप जल जाता है। तो जैसे कई बार लोग होते हैं शिप पे जा रहे हैं और वो कुछ जगह पे फंस गए। अब ये इन जगहों पे फंसने के बाद वो क्या करते हैं, इन जगहों पे फंसने के बाद उन्हें कोई आसपास नहीं दिख रहा, तो अगर दूर से कोई शिप जा रही है तो वो क्या लगाएंगे, आग लगाएंगे, धुआं ऊपर से निकलेगा तो उन्हें पता चल जाएगा कि हाँ कोई है, और दूसरे जो इधर उधर शिप वाले हैं वो उनको रेस्क्यू कर लेंगे। तो इस तरीके के बहुत सारे हमारे पास पाउडर्स होते हैं जो शिप जब जाती है तो वो लोग अपने साथ लेके जाते हैं। उसके अंदर मैग्नीशियम भी होता है, मैग्नीशियम पाउडर होता है, मैग्नीशियम के रिबन्स होते हैं, और ये क्या होता है एकदम से जल जाते हैं, एयर में ही जल जाते हैं, तो तुम्हें आग लगाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास माचिस नहीं है, कुछ नहीं है, लाइटर नहीं है, तो तुम कैसे आग लगाओगे। तो मैग्नीशियम के पाउडर्स होते हैं, उसको जस्ट खोलो और वो एकदम से आग पकड़ लेगा, आग लग जाएगी उधर और तुम रेस्क्यू आराम से हो सकते हो। सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाता है, व्हाइट कलर का होता है जैसे दूध होता है उसी तरीके से। इसको एंटा एसिड हम लोग यूज़ करते हैं। एंटा एसिड का मतलब क्या है कि जब एसिडिटी होती है तो एंटा एसिड मतलब एसिड का उल्टा, विच इज़ बेस, तो बेस ही होता है और इसको बोला जाता है एंटा एसिड। तो जब एसिडिटी होती है तो हम लोग इनो लेते हैं। इसी तरीके से पहले ज़माने में जब इनो नहीं होता था तो मैग्नीशियम का मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिया जाता था। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम कहाँ यूज़ होता है, एटीपी के सिंथेसिस में भी यूज़ होता है। मैग्नीशियम हमारी बॉडी में काम आता है, बहुत जगह काम आता है, तो हमारे लिए अच्छा भी होता है, टॉक्सिक नहीं होता है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि एंटा एसिड है बेसिक होता है, तो वो जो हमारी एसिडिटी हो रही है उसको वो न्यूट्रलाइज कर देता है। इस तरीके से ये एंटा एसिड यूज़ होता है। लेकिन एंटा एसिड अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी लिया जा सकता है, वो भी हमारे लिए सही रहता है। अब इसमें ये प्रॉब्लम आती है कि ये जो मिल्क और मैग्नीशिया अगर इतना अच्छा था तो हम लोग इनो क्यों यूज़ करते हैं। इतना अच्छा है नहीं, क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा बेसिक हो गया तो एसिडिटी और बढ़ जाती है। जैसे हम लोग हमारी स्टमक क्या निकाल रही है, एसिड प्रोड्यूस कर रही है, और हम लोगों ने उसमें बेस डाल दिया तो वो न्यूट्रलाइज हो गया। फिर अगर अगर पीएच ज़्यादा बढ़ गया तो स्टमक क्या करेगी, और एसिड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी। तो जितना हम लोगों ने एंटा एसिड लिया है उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जितना हम लोग बेस अपने बॉडी में डाल रहे हैं हमारी स्टमक उतना ही एसिड कॉन्टीन्यूसली प्रोड्यूस करती चली जाती है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, हमें स्टमक का जो पीएच होता है वो हमेशा एसिडिक होना चाहिए। अगर वो बेसिक हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टमक एसिड रिलीज कर देगी कि डेथ भी हो सकती है। इसलिए हम लोग आजकल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज़ नहीं करते हैं, वी यूज़ बेटर रिएजेंट्स लाइक इनो वगैरह, या फिर आजकल बहुत ज़्यादा एसिडिटी की दवाइयाँ आती हैं वो सब यूज़ किया जा सकता है। कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट एक इंग्रेडिएंट होता है टूथपेस्ट में, जो टूथपेस्ट हम लोग यूज़ करते हैं उसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम एंड बेरियम मेटल्स, ये क्या होते हैं, रिएक्टिविटी भी तो कैल्शियम और बेरियम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। अब ये ऑक्सीजन के साथ एकदम से रिएक्ट नहीं करते, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं एलिवेटेड टेम्परेचर पे, जब उसको बहुत ज़्यादा हीट किया जाता है। तो कैल्शियम क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा। बेरियम भी क्या करेगा, बेरियम ऑक्साइड बना लेगा। तो ये यूज़ होते हैं वैक्यूम पंप्स में और वैक्यूम ट्यूब्स में। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास एक फ्लास्क है और तुम चाहते हो कि उसके अंदर ऑक्सीजन ना रहे, उसके अंदर बिल्कुल भी ऑक्सीजन ना नहीं होनी चाहिए। तो होता क्या है कि अगर तुम उसके अंदर कैल्शियम डाल दोगे या फिर बेरियम डाल दोगे और उसे हीट करोगे तो कैल्शियम एयर के साथ रिएक्ट करेगा, वो क्या बना लेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन जो उस एयर में है वो ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी,
ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो जो एयर उसके अंदर है उसका प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरीके से वैक्यूम के अंदर कैल्शियम और बेरियम यूज होते हैं। रेडियम कहाँ यूज होता है? रेडियम कीमोथेरेपी, कैंसर वगैरह जब होता है तो उसमें रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी सॉरी रेडियोथेरेपीज होती हैं उनके अंदर यूज होता है। और सिंस इट इज रेडियो एक्टिव तो रेडियम के काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट यूजेस हैं। और जो चीज़ तुम्हें रात को चमकती है वो रेडियम नहीं होती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो रेडियम नहीं है। रेडियम इज वेरी रेडियो एक्टिव, अगर तुम्हारे हाथ में है तो तुम्हारी 2 या 3 महीने में डेथ हो सकती है। तो रेडियम बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है, लेकिन उसकी कुछ अमाउंट और कुछ सॉल्ट्स हम लोग जनरली यूज़ करते हैं सो दैट कि हम लोग उसकी है मतलब उससे हम लोग कुछ नया निकाल सकते हैं और बहुत जस्ट लाइक कैंसर में यूज़ कर सकें। और वैसे बहुत तरीके के ट्यूमर्स होते हैं जिनको निकालने में हमारे लिए आसानी होती है रेडियोथेरेपी की। ठीक है, 1 मिनट वेट करना ज़रा। मूविंग अहेड, अब हमें थोड़ा सा पढ़ना है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल। तो इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? सबसे पहले ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, ये ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड बहुत आराम से बना सकता है। अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो बेरियम है और मैग्नीशियम है इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एक्सेप्शनली कोवेलेंट होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। द ऑक्साइड and the other compound of beryllium and magnesium are covalent than those of other. So beryllium के जो compounds होंगे और क्या magnesium के जो compounds होंगे they are generally covalent. बहुत ज़्यादा covalent होते हैं, बाकी calcium, barium, strontium इनके जितने भी compounds होते हैं they are generally ionic. अब covalent होने का reason क्या है? They have high polarizing power. स्मॉल साइज विच लीड्स टू वेरी हाई पोलराइजिंग पावर, सो इसलिए इनका थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है। लिथियम के केस में भी तुम्हें याद होगा कि लिथियम ज़्यादा कोवलेंट कंपाउंड बनाता है और बाकी सारे कंपाउंड जो होते हैं वो आयनिक होते हैं। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, द एल्कलाइन अर्थ मेटल बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म मोनोऑक्साइड। तो जो जितने भी एल्कलाइन अर्थ मेटल हैं ये सारे मोनोऑक्साइड्स बनाते हैं, पेरोक्साइड से सुपर ऑक्साइड्स नहीं बनाते। तुम्हें याद होगा कि लिथियम तो ऑक्साइड बनाता था मोनोऑक्साइड, लिथियम ने ऑक्साइड बनाया, सोडियम पेरोक्साइड बनाता है एंड पोटेशियम और बाकी सारे एलिमेंट्स सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे ये सारे बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड इस तरीके से ये बनाते हैं। इसमें से बेरिलियम ऑक्साइड इज एसेंशियली कोवलेंट, ऑब्वियसली ये कोवलेंट होगा, बाकी सारे क्या होंगे? थोड़े बहुत आयनिक होंगे। अब जो ये ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे मैंने बताया मेटल ऑक्साइड्स जनरली क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। पहली चीज, मेटल तो सारे बेसिक होते हैं, अब मेटल बेसिक क्यों होते हैं? क्योंकि मेटल को अगर तुम वाटर में डाल दो तो वो रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे? MOH2+ हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। ठीक है, सो ये इससे क्या पता चल रहा है कि मेटल हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है और मेटल हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट होकर क्या देगा? OH नेगेटिव आयन देंगे। तो मेटल को कभी भी वाटर में डालते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है। कोई भी चीज़ ऐसी जो OH नेगेटिव आयन रिलीज करेगी वो बेस होगी। सो मेटल्स बेस होते हैं, मेटल ऑक्साइड भी बेसिक होता है। मेटल ऑक्साइड को अगर तुम वाटर में डालोगे जैसे MO+H2O तो क्या मिल रहा है? मेटल हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोक्साइड मिल रहा है मतलब OH नेगेटिव आयंस वो फर्निश कर सकता है। सो मेटल ऑक्साइड्स भी क्या होते हैं? बेसिक होता है। ये चीज़ एकदम से याद होनी चाहिए कि मेटल ऑक्साइड्स आर ऑलवेज हमेशा बेसिक होते हैं एंड नॉन मेटल ऑक्साइड हमेशा एसिडिक होते हैं। अब
इनमें से क्या है कि ये सारे मेटल ऑक्साइड हैं, तो सबको बेसिक होना चाहिए एक्सेप्ट फॉर बेरिलियम ऑक्साइड विच इज एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक इन नेचर का मतलब क्या है कि वो बेस की तरह भी एक्ट करता है और एसिड की तरह भी एक्ट करता है। रीजन बिंग क्योंकि बेरिलियम ऑक्साइड सबसे ज्यादा कोवलेंट है, सबसे ज्यादा कोवलेंट है तो ऑब्वियसली वो एसिडिक करेक्टर की तरफ जा रहा है, लेकिन वो पूरा एसिडिक नहीं है, वो अभी बीच में ही है एम्फोटेरिक कैटेगरी में, कि वो एसिड की तरह भी एक्ट कर सकता है, बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है। जितने ज्यादा ऑक्साइड जितने ज्यादा एसिडिक होने लगेंगे, जितने ज्यादा कोवलेंट होने लगेंगे, उतने ही ज्यादा वो कंपाउंड्स एसिडिक भी होने लग जाते हैं। तो यहाँ पे ये रीजन इनका आ जाता है। ठीक है, उसके बाद सॉल्युबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी एंड द बेसिक कैरेक्टर ऑफ दिस हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो क्या होता है कि यहाँ पे देखो तुम, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का साइज छोटा है और इसने OH के साथ बॉन्ड बना रखा है। इसी तरीके से बेरिलियम का साइज बहुत बड़ा है और उसने OH के साथ बॉन्ड बनाया है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी, और जिसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होता है उसका बॉन्ड तोड़ना आसान होता है। तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड सबसे सॉरी बेरियम हाइड्रोक्साइड सबसे जल्दी OH नेगेटिव दे सकता है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम, तुम्हें दिख ही रहा होगा। तो जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, मेटल और हाइड्रोक्साइड का जो बॉन्ड है वो लंबा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, और वो क्या होगा, आराम से टूट जाएगा। सो जो बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा होती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, और OH नेगेटिव आयन्स क्या होते हैं, उतनी ही जल्दी रिलीज होते रहेंगे। तो जो हाइड्रोक्साइड का जो बेसिक करेक्टर है वो डाउन द ग्रुप क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जैसे अभी हम लोगों ने बताया, वो थोड़े एम्फोटेरिक होते हैं, तो बेरिलियम के ऑक्साइड्स भी एम्फोटेरिक होते हैं, बेरिलियम के हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक होते हैं। और बेरिलियम के हाइड्रोक्साइड क्या करेंगे, एम्फोटेरिक मतलब एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे और बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे। तुम्हें दिख रहा होगा कि बेस के साथ रिएक्ट करके ये बेरिलेट आयन बना रहा है। ठीक है, और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करके भी बेरिलियम हाइड्रोक्साइड डाइहाइड्रोक्साइड बनाता है। तो ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। एसिड क्या करते हैं, बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, बेस क्या करते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। सिंस ये दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये एम्फोटेरिक इन नेचर है। नेक्स्ट वी कम टू द हैलाइड्स, एक्सेप्ट फॉर बेरिलियम हैलाइड्स। बेरिलियम हैलाइड्स को अगर छोड़ते हैं तो बाकी सारे जो हैलाइड्स हैं वो आयनिक होते हैं। बेरिलियम कोवलेंट है बिकॉज ऑफ इट्स हाइपोलराइजिंग पावर। तो बेरिलियम हाइड्रोक्स बेरिलियम क्लोराइड्स या बेरिलियम हैलाइड्स क्या होते हैं, आयनिक होते हैं, सॉरी कोवलेंट होते हैं, और बाकी सारे आयनिक होते हैं। बेरिलियम हैलाइड्स आर एसेंशियली कोवलेंट, बहुत ही ज्यादा कोवलेंट होते हैं, और ये दो तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। एक तो BeCl2 नॉर्मल भी एग्जिस्ट करते हैं, और साथ में ये इस तरीके से भी एग्जिस्ट करते हैं। पॉलीमरिक फॉर्म में तो ये इतने अजीब से कंपाउंड क्यों बना रहा है? इसका सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है वेपर फेज में। जब ये किस फॉर्म में होता है, वेपर फेज में होता है, तो ये क्लोरो ब्रिज डायमर की तरह फॉर्म होता है, और सॉलिड स्टेट में इस तरीके से होता है। सॉलिड स्टेट में ये, और अगर ये उसमें है तो दोनों साइड पे आएगा। तो गैस फेज में या वेपर फेज में तो ये डायमर की तरह होता है, और नॉर्मल केस में वो सॉलिड स्टेट में इस तरीके से होता है। तो इनकी बहुत अच्छी टेंडेंसी होती है, इसकी बहुत अच्छी टेंडेंसी होती है कि ये पॉलीमरिक स्टेट में रह सके। ये जो इसकी प्रॉपर्टी है ये एल्यूमिनियम से मिलती है, क्योंकि एल्यूमिनियम का भी ऐसी होता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड भी एक पॉलीमरिक स्ट्रक्चर होता है और डायमर की तरह आता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड अगर तुम लिखोगे तो AlCl Cl Cl Al। सो एल्यूमिनियम के जो क्लोराइड्स होते हैं वो भी पॉलीमरिक स्ट्रक्चर बनाते हैं या डायमरिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिस तरीके से बेरिलियम बनाता है। तो यहाँ से तुम्हें क्लियरली पता चल रहा है कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम का एक डायगनल रिलेशनशिप है। जैसी प्रॉपर्टी बेरिलियम शो करता है वैसी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम भी शो करता है। अब ये है क्यों? क्योंकि बेरिलियम बहुत हाई पोलराइजिंग पावर होने की वजह से क्लोरीन के पास लोन पेयर है, और ये जो लोन पेयर है वो बेरिलियम
एक्सेप्ट कर लेता है, बेरिलियम एक्सेप्ट कर लेगा तो ऑब्वियसली उनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा और ये बॉन्ड क्या होता है, खिंचता चला जाता है। सो इसी तरीके से ये कंपाउंड बनते हैं, और इनका जो इनकी हाई पोलराइजिंग पावर होने की वजह से दे जनरली फॉर्म हाइड्रेट्स। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 8H2O है, 6H2O है, 6H2O है, तो इनकी जो पोलराइजिंग पावर होती है इन सारे एलिमेंट्स की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एल्कली मेटल। तो ये सारे हाइड्रेटेड फॉर्म में ही एक्जिस्ट करते हैं, और अगर इनके डिहाइड्रेटेड फॉर्म्स बनाने हैं तो इनको हीट कर दो और इसमें से वाटर निकल जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद ये वाटर एनवायरमेंट में से मॉइस्चर वापस ले लेंगे और ये .8H2O 6H2O में वापस कन्वर्ट हो जाएंगे। सो इनकी बहुत अच्छी पावर होती है। अब इसके आगे टाइम हो गया तो मैं इसको कल कराता हूँ, और अनफॉर्चुनेटली आज की छुट्टी थी, मुझे अभी जस्ट मैसेज आया कि आज कबीर जयंती है और छुट्टी थी शायद, मैंने देखा नहीं, लेट मी सी अगेन। आज की छुट्टी थी, चलो कोई नहीं, क्लास हो ही गई है।